हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नवीन और आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी गुलजार में। यार आज हम गए हैं मड़चूला जो कि पड़ता है कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत। ये काफ़ी सुंदर जगह है। बेसिकली यहाँ लोग बड़े दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। अगर बात करूँ ऑल इंडिया से नहीं, इंडिया से काफ़ी बाहर से लोग आते हैं। ये देखिए जो सामने नदी दिख रही है, नदी है रामगंगा नदी, काफ़ी फेमस नदी है। इस नदी का अगर पानी की बात करूँ तो काफ़ी साफ़ है। ये देखिए नीचे की सतह साफ दिख रही है, नीचे के पत्थर हमें एकदम बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। ये देखिए नज़ारा देखिए काफ़ी सुंदर। और यहाँ लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। उस साइड में काफ़ी बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं, वहाँ अभी चलते हैं और आपको दिखाऊंगा मैं उस साइड के रिजॉर्ट। और इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ जो ये रामगंगा नदी है इसके लिए, और यहाँ सामने नीचे मगरमच्छ भी कई बार देखा गया है। और बेसिकली अगर उत्तराखंड की बात करो तो ये यहाँ NH 121 पे रोड पे ये मड़चूला पड़ता है। और यहाँ बेसिकली प्रसिद्ध है खाने के लिए, काफ़ी बड़े बड़े होटल यहाँ पे हैं और काफ़ी स्वादिष्ट खाना बनता है। लेकिन अगर खाने की बात करो तो उत्तराखंड में सारे किसी भी होटल में खा लो बेसिकली अच्छा खाना बनता है, और उतना लूटा भी नहीं जाता जितना बाहर लूटा जाता है। क्योंकि मेन अगर बात करें रोड साइड पे तो काफ़ी बड़ी दुकानें रहती हैं, होटल रहते हैं, तो उनमें लूटा जाता है बाहर प्लेन्स में, अगर उत्तराखंड के अलावा कहीं और बात करूँ मैं तो। और ये जो सारे एरिया आप देख रहे हैं सब कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आते हैं। ये सारा एरिया कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। और इन जंगलों में हमें हिरन हाथी शेर बाघ देखने को कई बार मिलते हैं, क्योंकि एरिया कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर आता है इसलिए जंगली जानवर होना तो बेसिकली है। और उन्हीं जंगली जानवरों को देखने के लिए लोग बड़े दूर दूर से यहाँ सैलानी घूमने के लिए आते हैं। उस साइड आपको दिख रहा होगा मंदिर दिख रहा है जिस साइड, वहीं काफ़ी बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं। ये देखिए वहाँ उस साइड से दिखेगा अभी मार्केट से, तो चलते हैं उस साइड देखते हैं किस तरह का उस साइड नज़ारा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सामने देखिए एक बंदर भी दिख रहा है ये। ये देखिए एक बंदर वहाँ पे है ऊपर, एक बंदर यहाँ पे। कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसलिए यहाँ बंदरों की तो लाइन लगी रहती है एकदम। ये देखिए कार्ड निकले भी आते हैं। लगता है दोनों माँ बच्ची है, देखिए किस तरह से उसे प्यार जता रही है। ये देखिए डर भी नहीं रहे एकदम, इंसान को खुद डर लग रहा है इनसे। ये देखिए काटने के लिए आ रहा है। ये मेन मार्केट है मड़चूला का। ये देखिए काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ रुकी है खाने के लिए। हाँ ये देखिए इस एरिया में काफी बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं। ये पूरा एरिया होटल और रिजॉर्टों से घिरा हुआ पड़ा है। उस साइड भी काफी बड़े रिजॉर्ट हैं। और सामने वो अपना मड़चूला। तो यार यही था मड़चूला। आगे शायद वहाँ पे कोरोना टेस्ट भी हो रहा है,
बेसिकली देखते हैं, कराते हैं हम भी, पूछते हैं क्या सिस्टम है उनका। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड। तो यार अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर ज़रूर करना यार, आपके एक लाइक और शेयर से हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।